three indicators, or you can say three parameters of critical development. And now we are going to study these developments, these aspects of development in the light of David Easton's model. इसको आप otherwise भी पढ़ सकते हैं. जरूरी नहीं है कि आप इसको David Easton के model के साथ ही relate करें. वो three aspects जो है वो equality है, capacity है और structural functionalism है. बट उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है कि हम उसको David Easton के मॉडल के साथ स्टडी करें. सेपरेटली तो आप स्टडी कर ही लेंगे, लेकिन मॉडल के साथ स्टडी करना ज्यादा बेहतर रहेगा. तो मॉडल पहले हम बना लेते हैं इसका. दिस इज पॉलिटिकल सिस्टम. Input, policies and decisions of the government, and this is output. और इन policies और decisions की base पे आवाम feedback देती है. ये David Easton का model है. ये हम already पूरा study कर चुके हैं. अब Lucien Pai कहते हैं कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो तीन लेवल्स पे हो रही होती है. सबसे पहले देखना होता है कि सबसे पहला एस्पेक्ट क्या है. इक्वालिटी, फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज इक्वालिटी. इक्वालिटी पॉलिटिकल सिस्टम ने कहां पे इंश्योर करनी होती है. इनपुट पे. यानी पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पॉलिटिकल सिस्टम, और उस पार्टिसिपेशन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड. इक्वल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड. तो दैट इज द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट जिसमें हमने स्टडी किया था कि डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन. उस डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन के लिए हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अवाम को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल सिस्टम. अब अवाम पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट सबसे पहले किस तरह से करते हैं. जब वो पॉलिटिकल सिस्टम की जो फाउंडेशन है, जो कि इलेक्शन के थ्रू आप अपना पॉलिटिकल सिस्टम सिलेक्ट करते हैं, उसमें वोट कास्ट करते हैं. तो सेकेंड इसकी कैपेसिटी है. सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज कैपेसिटी. यानी कि क्या हुकूमत की इतनी कैपेसिटी है कि वो अवाम के अफेयर्स को रेगुलेट कर सके. उसमें सेकंड एस्पेक्ट आता है कैपेबिलिटीज. सेकंड एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज कैपेबिलिटीज एंड फर्स्ट वन इज इक्वालिटी. इक्वालिटी रिसोर्सेज की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना. And capabilities means कि whether the government is capable enough to deal with the demand of the people, या जो output है, जो decisions और policies हैं, are those decisions and policies in line with the demand of people? यानि what is the performance of government? What is the output of government? When the state has capacity to enforce law and order, and when the state has a capacity to translate demands into policies, वहां पे Lucien Pai कहते हैं this is called as capability of the system. तो तीन aspects political development के study कर रहे हैं. input level पे हमने study किया equality, equal opportunity to participate in the political system, and output level पे हम study कर रहे हैं कैपेबिलिटी. क्या स्टेट में इतनी कैपेबिलिटी है, क्या सिस्टम में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो लोगों की डिमांड के मुताबिक पॉलिसी बनाए. अब वो कैपेबिलिटीज की देर आर डिफरेंट टाइप्स. वो टाइप्स क्या हैं? नंबर वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव कैपेबिलिटी. नंबर टू इज रेगुलेटिव कैपेबिलिटी ऑफ द सिस्टम. नंबर थ्री इज एक्सट्रैक्टिव कैपेबिलिटी.
नंबर फोर इज रिस्पॉन्सिव कैपेबिलिटी, नंबर फाइव इज सिंबॉलिक कैपेबिलिटी. दीज बेसिकली आर कैपेबिलिटीज ऑफ अ क्रिटिकल सिस्टम एंड दीज कैपेबिलिटीज आर रिफ्लेक्टेड इन आउटपुट. ये मैं आपको लेटर ऑन एक्सप्लेन करती हूँ. उसके बाद जो थर्ड एस्पेक्ट है पॉलिटिकल सिस्टम में पॉलिटिकल डेवलपमेंट शो करने का, दैट इज बेसिकली फंक्शनल स्पेशलाइजेशन. लुसियन पाय के मुताबिक जो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है इसको आप स्ट्रक्चरल फंक्शनल भी कहते हैं. दैट इज बेटर कि आप लिख लें इसको स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म. थर्ड एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, यानी इसमें यह देखा जाता है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर क्या है एंड हाउ दैट स्ट्रक्चर इज परफॉर्मिंग फंक्शंस. फॉर एवरी फंक्शन देयर शुड बी अ स्पेशल ऑर्गन और बॉडी. ये फिर आप रिकॉल करें जब हमने पॉलिटिकल फिलॉसफी को पढ़ा था कि जो पावर है, पावर कौन कौन सी, एग्जेक्टिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर एंड जुडिशियल पावर. दीज थ्री पावर्स शुड नॉट बी वेस्टेड इन अ सिंगल बॉडी. ये पावर अगर एक बॉडी में होगी तो देर विल बी अ चांस ऑफ पावर करप्शन. तो इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन डिफरेंट ऑर्गन्स. तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म बेसिकली इज कि हाउ द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट्स आर फंक्शनिंग. उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हम स्टडी करते हैं फिर, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. अब हमने ये देखना है कि व्हाट इज अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस एंड व्हाट इज अ सिस्टम ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन दीज थ्री ऑर्गन्स एंड हाउ दीज थ्री ऑर्गन्स आर परफॉर्मिंग फंक्शंस. इसके अलावा हमने और भी देखना होता है कि लेट से हम इनपुट साइड पे देखते हैं कि इनपुट साइड पे जो स्टेट है उसके फंक्शंस क्या हैं.